आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वेलकम टू डिफेंस गवर्नमेंट जॉब इन पॉकेट सो आज का जो सेशन है वो है आपका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमारे एफकेट में वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे अभी तक हमने करा था एनालॉगी एनॉलॉगी के क्वेश्चन को हमने करा था एनालॉगी के क्वेश्चन में क्या होता है हमारा वर्ड एनालॉगी एंड पेयर एनालॉगी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे बच्चे इसमें नंबर एनालॉगी नहीं आता है लेकिन हम उनकी प्रैक्टिस कभी ना कभी ज़रूर करेंगे करेंगे लेकिन आज बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन में क्या आता है हमारा वर्ड क्लासिफिकेशन अगेन पेयर क्लासिफिकेशन आता है इसमें भी हमारा नंबर क्लासिफिकेशन बहुत कम दिखा है देखने के लिए सो so, गुड आफ्टरनून कृष्णा मिश्रा राजू रंजन देव गोस्वामी प्रहला सिंह रावत एंड प्रियंका ठाकुर गुड आफ्टरनून शेषन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल अड्डा डिफेंस अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन तो गुड आफ्टरनून देवू गोस्वामी बात करते हैं हम क्वेश्चन की तो देखो भाई मार्कर मार्कर मिल गया हमें मार्कर चलो देखो यदि हमें क्वेश्चन पूछ लिया गया सपोज करो कोई भी क्वेश्चन है जैसे हम कोई क्वेश्चन दे देंगे आपको चार आपको ऑप्शन दे रखे हैं ध्यान से समझना इलेवन थर्टीन फिफ्टीन नाइनटीन इसमें से ये पूछ लिया जाएगा कि ऑड वन आउट कौन सा होगा तो बताइए इसमें से क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है इनमें से अलग छाटना जो इनमें से बिल्कुल अलग होगा जितें जीतू देवू गोस्वामी बताइए इनमें से अलग कौन सा होगा बहुत आसान है इसे अलग से छाटना कैसे है भाई अलग क्योंकि आपको पता है इलेवन थर्टीन एंड नाइनटीन ये तीनों क्या है प्राइम नंबर है लेकिन हमारा जो फिफ्टीन है बच्चा वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा फिफ्टीन तो बहुत आसान क्वेश्चन था हमारी इस क्लास का लेकिन जो एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफ कैट के एग्जाम में वो हम बात करेंगे जितेन जीतू जो हमारी क्लास होती है वो होती है हमारी मॉर्निंग में गाँ हमारा आप दोपहर में कह सकते हैं दोपहर का टाइम है बारह पी एम पर अभी तो स्टार्ट हुई है बच्चे हमारी क्लास बारह पी एम पे हमारी क्लास होती है मह देवू गोस्वामी बिल्कुल जो आंसर आएगा वो आएगा फिफ्टीन ठीक है अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन देखो बच्चा क्वेश्चन आपको वैसे ही याद कर लें जैसा मैंने आपको एनालॉगी का बताया था एनालॉगी में, में मैंने आपको कैसे बताया था मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट बताइए कि मैंने आपको एनालॉगी में क्या बताया जय हिंद काकू कु खोली बताइए भाई एन का जितेंद्र जी तू बता दिया है बारह बजे से स्टार्ट हो जाती है बच्चा हमारी क्लासेस बताइए देखो सपोज करो ये हमारा दिसपुर जयपुर ठीक है दिसपुर जयपुर गांधीनगर से से अलग क्या होगा? इन में से अलग क्या क्या होगा? श्रमश्रा जितेन काकू खोली प्रहलाद सिंह रावत बताइए इनमें से अलग क्या होगा आपको ये फाइंड करना है इनमें से अलग क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन करना है तो बताइए देवू गोस्वामी <coughs> पंजाब पंजाब क्यों होगा बच्चा क्योंकि ये स्टेट और बाकी की तीनों की तीनों क्या है हमारे कैपिटल है तो इसका मतलब जो अलग होगा बच्चा वो क्या होगा हमारा पंजाब बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा पंजाब एक क्वेश्चन और करते हैं हम ठीक है देन उसके बाद फिर क्वेश्चन की भरमार आपके आगे होगी ओ एस एल ओ केत वोन बताइए एल आई आर एल रा बताइए इसमें से जो हमारा अलग होगा बच्चा वो क्या होगा ओ एस एलो वोन एंड लीरा बताइए इनमें से हमारा अलग क्या होगा पंजाब कैपिटल नहीं है बच्चा देबुगे स्वामी बिल्कुल पंजाब है वो हमारी क्या है कैपिटल नहीं है बताइए मैं जौनपुर या यूपी ओके राजू रंजन यादव लीरा शुभु ने आंसर दिया शुभु सेवन हंड्रेड में लीरा एंड प्रियंका ठाकुर ने आंसर दिया ओस्लो बच्चा जो ओस्लो है वो हमारी किसी कंट्री की क्या है कैपिटल है? है वो कंट्री कौन है हमारी बच्चा नॉर्वे क्या है नॉर्वे वो हमारी क्या है कंट्री है जिसकी वो क्या है हमारी कैपिटल बिल्कुल देवू गोस्वामी ने भी आंसर दिया महक कैरी वॉन बच्चा जो वॉन है वो क्या है हमारी कोरिया की क्या है करेंसी है क्या है कोरिया की क्या है वॉन हमारी करेंसी है जितेंद्र कह रहे हैं तो बच्चा इसका जो लीरा है वो क्या है करेंसी है किसकी टर्की की क्या है करेंसी है किसकी टर्की की तो मुझे एक बार कमेंट कीजिए बच्चा जो क्या है वो किसकी करेंसी होगी बताइए जो कयात है बच्चा वो किसकी करेंसी होगी बर्मा की किसकी बर्मा की तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा हमारा ओस्लो क्योंकि ये क्या है ये हमारी कंट्री है और ये क्या है हमारी कैपिटल है और बाकी की सारी की सारी क्या है ये हमारी करेंसी है क्या है करेंसी है तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ओस्लो बिल्कुल राइट right आंसर आएगा पुरुषोत्तम बिल्कुल राइट ऑल अदर आर करेंसी प्रियंका कुमारी बिल्कुल ये नॉन टेक्निकल के लिए भी ये हर एक किसी के लिए रीजनिंग ठीक है तो टेक्निकल टीम फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम अपनी आज की क्लास की ठीक है तो आपको ये सब याद करने पड़ेंगे बच्चा जब भी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे एग्जाम में तो प्रियंका बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा पियर पियर मतलब क्या होता है एप्पल क्या होता है हमारा एप्पल क्या होता है एप्पल सेब होता है लीची क्या होता है हमारा लीची लीची होता है गुआवा इज अमरूद एंड ऑरेंज इज संतरा बताइए इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा बताइए प्रियंका ठाकुर जितेंद्र जीतू, पहला सिंह रावत इन में से आप अलग बताइए इन में से हमारा अलग क्या होगा मैम क्वेश्चन कर रही जितेंद्र जीतू क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होंगे हमारी क्लास में बेफिक्र रहिए ने दिया, मेहक ने आंसर 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 दिया दिया ऑरेंज एप्पल बच्चा जो इसका आएगा वो आएगा हमारा ऑरेंज क्योंकि ऑरेंज एक ऐसा एक मात्र हमारा है, इसमें क्या फ्रूट है जो क्या है सिट्रस फ्रूट है क्या है सिट्रस फ्रूट है तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या हमारा आएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर आएगा ऑरेंज बी एप्पल बाकी सभी घुटो होती है, है क्या कह रहे हो पुरुषोत्तम क्या कहना चाह रहे हो आप ठीक है सिट्रस इज जो है बिल्कुल सुबह बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा इसमें ऑरेंज क्योंकि ये क्या है हमारा सिट्रस फ्रूट है ठीक है देवू गोस्वामी गुआवा क्यों आएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कर्ट बटर ऑयल चीज एंड क्रीम बताइए इसमें से चारों में से हमारा अलग क्या होगा पांचों में से अलग हमारा क्या होगा देवू गोस्वामी जितेन्द्र जीतू फटाफट से आंसर बताइए पुरुषोत्तम संधु कर्ड, दही बटर क्या होता है मक्खन होता है ऑयल क्या होता है तेल होता है चीज़ को क्या कहेंगे चीज़ ही कहते हैं हम बहुत खाते हो एक्स्ट्रा चीज़ दे देना भैया एक्स्ट्रा चीज डाल देना पिज्जा के ऊपर क्रीम क्या होता है क्रीम भी आपको पता है क्रीम क्या होता है दूध दही की जो क्रीम बनती है उसे कहते हैं क्रीम क्रीम वो वाली मत लगा कभी जो मुँह पर लगाने वाली होती है ठीक है तो बच्चा बच्चा राइट आएगा इसमें हमारा ऑयल क्योंकि कर्ड बटर चीज एंड क्रीम ये चारों की चारों हमारी किससे बनती है मिल्क से बनती है लेकिन जो ऑयल है वो हमारा मिल्क से नहीं बनता तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा पहला तो चीज नहीं आएगा ऑयल बिल्कुल राइट आंसर आएगा मैम गुआवा का छिलका उतार के देवू गोस्वामी एप्पल का भी छिलका उतार के नहीं खाते एप्पल को भी हम ऐसे ही खा लेते हैं कोई कोई तो एप्पल का भी छिलका उतार के खाता है कोई कोई तो अमरूद का भी गुआवा का भी हमारा छिलका उतार के खाता है बताओ ठीक है चलिए कृष्णा सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एसी किल किडनैप स्टैप एंड मदर मर्डर देखिए एसी एसीट का मतलब क्या होता है ए डबल एस ए एस एस आई एन ए टी ई ठीक है किडनैप, स्टेप मर्डर बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा किडनैप होगा रोहित ने आंसर दिया किडनैप हम्म कृष्णा मिश्रा आंसर तो नहीं आ रहा लेकिन देवू गोस्वामी के क्वेश्चन पे जरूर आ गया है ना किडनैप बिल्कुल राइट आंसर होगा क्योंकि बच्चा किडनैप क्या होता है इन सबसे अलग है इन सब का मतलब क्या होता है हत्या करना होता है या मार डालना होता है या खून कर दिया जाना होता है इसका मतलब होता है इन सब का हत्या लेकिन जो किडनैप है किडनैप का मतलब क्या होता है किसी को बंदी बना लेना तो इसका जो अलग होगा वो क्या होगा बच्चा बिल्कुल देबू गोस्वामी सी बिल्कुल राइट आंसर होगा अच्छा तुम छिलका उतार के कहते देबू गोस्वामी जो अमरूद है गुआवा है उसका भी हम छिलका उतार के खा सकते हैं ठीक है तो ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता है आप एग्जामिनर से ये नहीं कह सकते कि मैं छिलका उतार के खाती हूं तो अभी बिल्कुल इसका जो आंसर होगा वो गुआवा ही होगा <laughs> परषोत्तम बिल्कुल बताइए आकांक्षा ठाकुर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए शेनाई बैक पाइप फ्लूट सितार एंड हारमोनिक बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिए सितार क्या है हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है क्या उसपे स्ट्रिंग लगी होती है वो जब भी बसता है बाकी की सारी की सारी क्या है हमारी बाकी के सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चा वो है विंड हवा के इंस्ट्रूमेंट सेनाई फूक से बैक पाई भी हमारी फूक्स से होती है फ्लूट भी हमारा फूक्स से होता है हारमोनी क्या होता है वो भी हमारा किससे होता है हमारा फूक से ही होता है या विंड से ही होता है हवा के ही उससे ही हारमोनी का बसता है बच्चा जो लेकिन सितार होता है जो सितार होता है बच्चा वो क्या होता है हमारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है पहलाद काकू खोले जीते जीतू बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा सितार बिल्कुल राइट आंसर आएगा पहला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट चेस एंड हॉकी आसानी से बता दोगे आसानी से इस क्वेश्चन को बता सकते हो फुटबॉल आपको पता है फुटबॉल वॉलीबॉल भी पता है ऐसे करके ऐसे बॉल को मारते हैं क्रिकेट तो आपको पता ही है चेस आपको पता है दिमाग का गेम है हॉकी आपको पता है स्टिक होती है तो देखिए फुटबॉल वॉलीबॉल क्रिकेट एंड हॉकी ये चारों के चारों क्या आउटडोर गेम्स है लेकिन जो चेस है वो बच्चा हमारा इंडोर गेम है तो इसका जो आंसर आएगा रोहित कृष्णा मिश्रा बिल्कुल राइट आंसर आएगा कांशा ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन चेस ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा लीमा एलजियस न्यूयॉर्क टोक्यो एंड बीजिंग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखा लीमा एलजीवियस न्यूयॉर्क टोक्यो एंड बीजिंग टोक्यो बीजिंग एल एंड लीमा ये चारों के चारों क्या है किसी न किसी कंट्री की क्या है कैपिटल है लेकिन जो न्यूयॉर्क है बच्चा वो हमारी क्या है कैपिटल नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो वहाँ की सिटी है यूएसए की तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर होगा न्यूयॉर्क चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चेस इंडोर के में बिल्कुल पोटेशियम सिलिकॉन जीरोनिकियम गैलिलियम एंड जर्मेनियम बताइए न्यूयॉर्क क्वेश्चन हमेशा बिल्कुल राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए बच्चा पोटेशियम को छोड़ के सारे के सारे जो सिलिकॉन है जीरोनियम है गैलियम है एंड जर्मीनियम है ये सारे के सारे क्या है बच्चा सेमी कंडक्टर डिवाइस है क्या है सेमी कंडेक्टर डिवाइस है लेकिन पोटेशियम हमारा सेमी कंडक्टर डिवाइस नहीं है तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो होगा हमारा पोटेशियम बिल्कुल राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए तो टोटराइस मतलब क्या होता है कछुआ डक मतलब क्या होता है बत्तख स्नेक मतलब क्या होता है या? स्नेह होता है शार्प वेल मतलब वेल क्रो मतलब होता है कौआ बताइए ए बी सी या डी में से चारों में से कौन सा हमारा आंसर आएगा बताइए पहला सिंह रावर परशोत्तम काकू खोली सेमीकंडक्टर बिल्कुल कृष्णा मिश्रा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कृष्णा मिश्रा आकांक्षा काकू खोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए इस क्वेश्चन का बच्चा जो इसका आंसर होगा बच्चा क्रो नहीं होगा व्हेल होगा क्योंकि बाकी के सारे क्या क्या है हमारे टोट्राइज है चाहे डक है चाहे स्नेक है चाहे क्रो है वो क्या देते हैं अंडे देते हैं लेकिन जो व्हेल है वो हमारे अंडा नहीं देती है तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा डी ऑप्शन बिल्कुल अच्छा ई क्वेश्चन वो कौआ उड़ता है अच्छा चलो ये भी लॉजिक बहुत सही है तुम्हारा कि जो कौआ है वो उड़ता है लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि बच्चा वेल है वो मैमल होती है हमारी वो क्या है। मेमल होता है हमारा मैमल होता है बाकी के ए बी सी डी क्या होता है हमारे अंडे देते हैं लेकिन वेहल हमारा अंडा नहीं देता है दो लॉजिक पता चल गया एक तो क्या क्रो उड़ता है और एक क्या है वेल क्या होती है हमारी अंडे नहीं देती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए फीदर होता है पंख टेंटेकल्स मतलब क्या होता है टेंटेगर्स मतलब होता है बच्चे जाला, स्केल्स आपको पता है क्या होता है मछली के होते हैं फोडिया क्या होता है अमीबा के होते हैं फ्लैगेला भी क्या होता है हमारा अमीबा से रिलेट करता है बताइए इनमें से अलग क्या होगा जो बच्चा फीदर होता है जो फीदर क्या है इन सबसे बिल्कुल अलग है क्योंकि फीदर का मतलब क्या होता है बच्चा पंख जो कि इन सबसे बिल्कुल अलग है और बाकी के सारे क्या है किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के क्या है मूवमेंट है उनकी गतिविधियां हैं तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा ए बिल्कुल राइट आंसर होगी ठीक है क्लियर है तो इसका जो आंसर आएगा कृष्णा मिश्रा वो क्या आएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा कृष्णा जी कह रहे हैं डक भी उड़ती है डक उड़ती है हाँ बिल्कुल बच्चा वो थोड़ी सी ऊंचाई तो उड़ती है डक है ना बच्चा रोहित इसका आंसर डी ऑप्शन नहीं आएगा इसका आंसर आएगा ए ठीक है फीजर जो आएगा बिल्कुल काकू खोली पहला सिंह रावत बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए स्लीट मतलब क्या होता है अच्छा फटाफट से मुझे कमेंट करके ये बताइए पुरुषोत्तम संधु मेहक देबुगोस्वामी स्लीट मतलब क्या होता है फोक फोक मतलब सब सबको पता होगी अभी होने ही वाली है धुंध ठीक है हे स्टोन वेपर एंड मिस्ट बताओ स्लीट मैम पीडीएफ फाइल में आंसर भी दे दिया करो ओके प्रियंका कर ठाकुर पीडीएफ फाइल में हम आपको आंसर भी दे, दे देंगे देखिए बच्चे स्लीट का मतलब होता है हमारे ओले के साथ वर्षा क्या होता है ओले के साथ वर्षा ठीक है ओला वर्षा भी कह सकते हैं हम ठीक है फोग मतलब धुंध Hellstrong का मतलब क्या होता है बच्चा ओला ओला ठीक है मिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चा जो मिस्ट का मतलब होता है बच्चा वो क्या होता है आगे धुंध होता है किसी ने आंसर नहीं दिया मेरे को अभी तक जो मैं पूछी थी कि स्लीट का मतलब क्या होता है ठीक है और बच्चा वेपर का मतलब होता है हमारा वाष्प तो इन सब से जो अलग होगा बच्चा वो क्या होगा हमारा वेपर होगा वेपर का मतलब क्या होता है वाष्प होता है तो इसका जो आंसर बनेगा पुरुषोत्तम वो क्या बनेगा हमारा टेंथ का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन वेपर ठीक है वेपर क्या होता है वाष्प होता है एक भाप होती है तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या बनेगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा देव गोस्वामी ने दिया ओलो वर्षा बिल्कुल राइट आंसर बच्चा हिलस्टोन का मतलब भी ओला होता है ओलो के साथ वर्षा धुंध ओला धुंध ये बिल्कुल एक से रिलेट कर रहे हैं लेकिन वाष्प क्या होता है क्या होता है वाष्प बिल्कुल अलग होता है वेपर क्या होता है बिल्कुल अलग होता है इन सबसे तो देवू गोस्वामी बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा वेपर देवू ने गूगल कर दिया अच्छा कृष्णा मिश्रा चलो उसने कुछ तो करा तुमने क्या किया मुझे ये बताओ कृष्णा ठीक है फिर बोलोगे फैल गया रायता है ना आकांक्षा ठाकुर महक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बिस्किट आपको पता है बिस्किट चॉकलेट का मतलब भी आपको पता है केक का मतलब भी आपको पता है ब्रेड का मतलब भी पता है पेस्ट्री का मतलब भी पता है बताइए इसका आंसर क्या होगा बिस्किट चॉकलेट केक ब्रेड एंड पेस्ट्री कृषि तुमने ए कर देखा आ कर देखा सही कहा देवो गोस्वामी ने कृष्णा क्या तुमने आके देखा देखिए बिस्किट केक ब्रेड एंड पेस्ट्री क्या होते हैं ये बेक करे जाते हैं लेकिन जो चॉकलेट है बच्चा वो बेक करके नहीं बनाई जाती है तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा बी ऑप्शन आकांक्षा ठाकुर रोहित प्रियंका बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन बच्चा ब्रेड हो बिस्किट हो केक हो पेस्ट्री हो ये सारी की सारी चीजें क्या की जाती है बेक की जाती है लेकिन चॉकलेट हमारी बेक नहीं की जाती है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिए रेड रेड पड़ गई अटैक किसी पे आक्रमण करना असोल्ट मतलब भी क्या होता है आक्रमण करना अम्बेश का मतलब भी क्या होता है आक्रमण करना लेकिन जो डिफेंस है डिफेंस का मतलब क्या होता है अपने आप की रक्षा करना तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चा डी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल राइट right आंसर होगा रेड अटैक असोल्ट एम्बाशी सारे की सारी किसकी फॉर्म में अटैक की, की फॉर्म में है, है लेकिन जो डिफेंस है वो क्या है रक्षा की फॉर्म में है तो इसका जो आंसर होगा रोहित काकू खोल याकंक्षा ठाकुर बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा डी ऑप्शन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए पंच मतलब क्या होता है चीटी बी मधुमक्खी मौत मतलब भी क्या होता है कीट या पतंग मिर्च मतलब क्या होता है वो भी हमारा क्या होता है मिर्च मतलब भी हमारा क्या होता है पतंग होता है कीट कीड़ा होता है स्पाइडर मतलब क्या होता है स्पाइडर का मतलब क्या होता है मकड़ी ठीक है चलिए बताइए इनमें से अलग क्या होगा हेलो 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 ठीक है अब आवाज़ आ रही होगी होप सो अब आपकी आवाज़ आ रही होगी कंप्यूटर जी देखो आवाज़ उन्होंने देख ली आवाज़ तो अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ठीक है मैम सुनाई नहीं दे रही मैम कैसे सुनाई देगी जब आवाज़ ही ख़राब है ना चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका जो अलग होगा बच्चा वो क्या होगा फिफ्टीन का ई पुरुषोत्तम बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा पॉइंट जो पॉइंट होगा वो इन सबसे क्या होगा बिल्कुल अलग होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए इंजीनियर आर्किटेक्ट मैकेनिक मेंशन एंड ब्लैक स्मिथ इंजीनियर आर्किटेक्ट मैकेनिक मेंशन एंड ब्लैक स्मिथ बताइए इसका आंसर क्या होगा देखिए मैकेनिक को छोड़कर इंजीनियर आर्किटेक्ट एंड मैं ब्लैक स्मिथ ये क्या होते हैं ये चारों के चारों हेल्प करते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं इंजीनियर आर्किटेक्ट मैं एंड ब्लैक स्मिथ ब्लैक स्मिथ क्या होता तो है लोहार मैशन क्या होता है हमारा मकान बनाने वाला आर्किटेक्ट जो डिजाइन करता है इंजीनियर यही डिसाइड करता है कि ये क्या है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इंजीनियर क्या करता है एक उसका नक्शा बनाता है ठीक है तो मैकेनिक क्या होता है इसका कोई रूल नहीं होता एक बिल्डिंग को बनाने के लिए तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा हमारा मैकेनिक अच्छा बताओ क्यों आएगा चाहिए मुझे बताओ ब्लैक स्मिथ मैशन मतलब क्या होता है बच्चा इसका मतलब होता है मकान बनाने वाला बताओ आंसर जो दे रहे थे ब्लैक स्मिथ आर्किटेक्ट इंजीनियर ये बताइए मेरे को कि किस लिए इन सब के आंसर ये आ रहे थे ठीक है मैकेनिक क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए एशिया अर्जेंटीना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्क्टिका बच्चा सारे के सारे जो एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और जो अंट्रक्टिका है ये सारे के सारे हमारे कॉन्टिनेंट है लेकिन अर्जेंटीना क्या है अर्जेंटीना हमारी कंट्री है तो इसमें से जो अलग होगा बच्चा वो क्या होगा बी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल अलग होगा हमारा कृष्णा अंटार्कटिका अलग नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया अलग नहीं होगा अफ्रीका अलग नहीं होगा एशिया ये सारे के सारे बी ऑप्शन को छोड़ के सारे के सारे क्या है हमारे कॉन्टिनेंट से महाद्वीप है लेकिन जो अर्जेंटीना है अर्जेंटीना क्या है हमारी कंट्री है तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा देवू गोस्वामी वो बिल्कुल राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन टी चिंचौना, रबर कार्डमम एंड चॉक बताइए इस कंसर्ट क्या होगा देखिए टी हो चिंचौना हो रबर हो या कार्डमम अच्छा ये बताइए टी तो आपको पता है पत्ती ठीक है चिंचौना मतलब होता है हमारा छाल छाल नहीं होती हमारी छाल होती है पता है ना छाल क्या होती है और हमारा इलायची क्या होता है हमारा इलायची होता, होता है तो बच्चा ये चारों के चारों ए बी सी या डी ये चारों के चारों हमें किससे मिलती है फसल से मिलती है क्रॉप से मिलती है लेकिन जो चौक है वो हमारा क्रॉप से नहीं मिलता तो रोहित देव गोस्वामी जो इसका आंसर आएगा वो आएगा हमारा ई e ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा क्योंकि चौक है वो हमारा क्रॉप से नहीं मिलता है ठीक है क्लियर टी तो बच्चा टी कहाँ से दे दोगे भीषू टी तो आएगा ही नहीं बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नाइनटीन का क्वेश्चन का आंसर बताइए नाइनटीन का क्वेश्चन क्या होगा कानपुर अलाहाबाद वाराणसी मथुरा मथुरा है बच्चा वो मथुरा एंड हरिद्वार बताइए अब आप कहोगे कुछ हरिद्वार हरिद्वार क्यों कहोगे क्योंकि भैया क्या है उत्तराखंड में बाकी के सारे यूपी में एक दूसरा जो इसमें लगेगा बच्चा वो भी क्या लगेगा हमारा मथुरा भी लग सकता है क्योंकि कानपुर अलाहाबाद वाराणसी और हरिद्वार हमारी गंगा नदी के पास है गंगा नदी है उनमें बैंक ऑफ रिवर के पास है हमारे पास है वो सारे के सारे सिटीज़ लेकिन जो मथुरा है वो हमारा यमुना रिवर के पास है ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शोल्डर फुट एल्बो आर्म एंड फिंगर बताइए इसका आंसर क्या होगा हरिद्वार हरिद्वार हाँ जी पता था मुझे हरिद्वार ही आएगा यूके मुझे पता था इसलिए मैंने आपको पहले हरिद्वार बताया देन उसके बाद मैंने आपको मथुरा बताया ठीक है चलिए बताइए बताइए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा शोल्डर क्या होता है हमारे ये फुट क्या होता है हमारे पैर एल्बो क्या होते हैं हमारी कौन है आम क्या होते हैं हमारे ये ठीक है फिंगर्स भी क्या होते हैं हमारे हाथ से रिलेट करते हैं ये सारे के सारे बच्चा जो है वो क्या होते हैं अच्छा एल्बो अच्छा एल्बो क्या आएगा सूरज बताना जरा एल्बो क्यों आएगा देखो शोल्डर ये होते हैं ठीक है फुट हमारे पैरों में होता है एल्बो होती है हमारी कौन ही आम क्या होता है गले लग रहा है इसे हाथों में ऐसे रखना एंड फिंगर्स क्या होते हैं हमारी ये होती हैं, 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 हैं देखिए ये हाथों से रिलेटेड है लेकिन जो फुट है वो क्या है इन सबसे बिल्कुल अलग है तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा फुट ना कि हमारा एल्बो या शोल्डर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा रोज गुलाब लोटस भी आपको पता है कमल मारियो गोल्ड आपको भी पता है लिली पता है टुलिप पता है बताइए इनमें से जो अलग होगा बच्चा वो क्या होगा बताइए जो इनमें से अलग होगा बच्चा वो हमारा कौन सा होगा ए बी सी या डी में देखिए रोज हो चाहे हमारा गेंदे का फूल मावी गोल्ड हो चाहे वो लिली हो या वो टुलिप हो ये चारों के चारों जो फूल हैं वो बच्चा हमारे लैंड पे उगते हैं क्या करते हैं लैंड पे ग्रो करते हैं लेकिन जो लोटस है बच्चा वो कहाँ ग्रो करता है वाटर में ग्रो करता है तो इसका जो आंसर आएगा बच्चा वो आएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोटस आएगा बच्चा पाल ए आंसर नहीं आएगा रोज बुक पेपर पेंसिल एंड पेन एंड शार्पनर बताइए पेपर पेंसिल पेन एंड शार्पनर ये चारों के चारों क्या हमारे स्टेशनरी आइटम है लेकिन जो बुक है बच्चा वो हमारी स्टेशनरी आइटम नहीं है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बुक बिल्कुल राइट right आंसर आएगा हमारा बुक ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सरसों राइस चावल होता है हमारा बार्ले क्या है? होता है जो होता है क्या होता है जो होता है तो बताइए ए बी सी या डी या ई में से कौन सा हमारा अलग होगा देखिए बाजरा राइस व्हीट और बार्ले में से ये क्या है इशारों के चारों हमारे क्या आ जाते हैं बच्चा फूड ग्रेन्स आ जाते हैं लेकिन जो मस्टर्ड है बच्चा वो क्या है हमारे ऑयल सीड्स है तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जियोमेट्री एल्जैब्रा ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक एंड आर्थमेटिक देखिए अर्थमेटिक ट्रिग्नोमेट्री एल्जैब्रा और जियोमेट्री ये क्या है मैथमेटिक्स के पार्ट है उनके अंदर के टॉपिक है तो इसका जो आंसर बनेगा बच्चा वो क्या बनेगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए ट्वेंटी क्वेश्चन का आंसर बताइए ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर क्या होगा पोलैंड ग्रीस स्पेन इटली एंड कोरिया बताइए देखिए कोरिया को छोड़ के जितनी भी हमारी बाकी की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो हमारी पोलैंड हो ग्रीस हो स्पेन हो वो चाहे वो इटली हो वो सारी की सारी क्या है हमारे यूरोपियन कंट्री है लेकिन जो कोरिया है बच्चा वो कौन सी कंट्री है हमारी एशिया की कंट्री है तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो क्या होगा ई e ऑप्शन बिल्कुल राइट right आंसर होगा हमारा ई ऑप्शन ठीक है एब क्वेश्चन घटा दीजिए प्रियंका ठाकुर पुरुषोत्तम काकू बिल्कुल राइट आंसर आएगा हमारा ई e ऑप्शन रोशन कुमार अच्छा रोशन कुमार थैंक यू एंड थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे दे। तुम मतलब मुझे लगता नहीं है कि तुम एफ कैट के लायक हो ठीक है तुम हो ही नहीं एफ कैट के लायक तुम किसी डिफेंस ऑफिसर के बनने लायक नहीं अपना ध्यान रखना टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ठीक है चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म करते हैं अपना ध्यान रखना बच्चा मिलेंगे आपसे कल की क्लास में बारह बजे बाय बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू Subscribe under 24-7 and press the bell icon.